हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए 2 रुपये में मिलने लगा 100 रुपये का शेयर। एक टाइम पे 100 रुपये का हुआ करता था, आज की डेट में कौड़ियों के भाव 2 रुपये तक पहुँच गया। आखिर क्या किया इसने, क्या गुनाह था इसका? चलिए बात करते हैं कौन सा है ये शेयर। अगर आप सोचिए किसी इन्वेस्टर ने इसमें 100 रुपये लगाए होते तो आज की डेट में उसके पास मात्र 2 रुपये रहते। 2 रुपये आपको देखिए, 98% मनी गॉन। तो चलिए बात करते हैं शेयर के बारे में, क्या कुछ खास है इसमें। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सा शेयर है भैया, कैसा है ये? तो मैं बात कर रहा हूँ जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड। जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, जेपी जयप्रकाश ग्रुप जो है नोएडा में मेजरली काम करता है। अगर आप देखें यमुना एक्सप्रेस वे जो नोएडा के में है, और रियल इस्टेट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं आस पास जेपी ग्रुप के, तो उसका ये कंपनी है जेपी इंफ्राटेक। मेजर जो प्रोमोटर है वो इसका जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड, इसी का पेरेंट ग्रुप है। तो आप देखिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में मात्र 350 करोड़ के आसपास रह गया है। 2 रुपये 60 पैसे का करंट प्राइस है। डेट 350 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट देखिए 8,500 करोड़ का डेट है। सब कुछ नेगेटिव में, नो डाउट, सब बिल्कुल बैंक करप्ट कंपनी है, दब चुकी है। अब आप सोच रहे हैं भैया 100 रुपये का शेयर, सबसे पहले मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। जब ये स्टार्टिंग में आया था तो 100 रुपये पे के आसपास ट्रेड कर रहा था, 9900। लगातार गिरता आया 2011 के बाद गिरता आया, संभलने का मौका ही नहीं मिला। और आज की डेट में कौड़ियों के भाव बैंक करप्ट होकर 2 रुपये 2.5 रुपये के अराउंड बिक रहा है। अब खास न्यूज़ क्या है, देखिए जेपी ग्रुप, अगर आप देखें एनबीसीसी जो गवर्नमेंट कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, उसने एक रिजोल्यूशन प्लान रखा जेपी इंफ्राटेक के लिए कि भैया हम एक्वायर करेंगे जेपी इंफ्राटेक को, और जितने भी इसके जो यूनिट्स हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट टू एक्वायर जेपी इंफ्राटेक एंड कंप्लीट ओवर 20,000 हाउसिंग यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे पूरा। तो भैया अच्छी बात है, एनबीसीसी जेपी ग्रुप के फ्लैट्स को कंप्लीट करेगी, क्योंकि अगर आप देखें आज की डेट में सारे फ्लैटों के ऐसे ही नॉर्मल छतें डली पड़ी हैं, बस कोई दीवारें नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसी बिल्डिंग खड़ी है 2011 2007-08 से ऐसी खड़ी हुई है वो बिल्डिंग है। लोन चल रहा है, पब्लिक ईएमआई भर रही है, लेकिन खुद ये बैंकरप्ट हो गई कंपनी, क्या कर सकते हैं। अगर साथ में देखिए, अगर मतलब इंडिया में कोई रिजोल्यूशन का तरीका ही नहीं है, वहीं जेपी ग्रुप का देखिए हाईवे पड़ा, जेपी का हॉस्पिटल पड़ा, जेपी का कॉलेज पड़ा, जेपी के दुनिया भर की चीज़ें चल रही है, लेकिन ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई। जो ईएमआई भर रहे हैं लोग, जिनको फ्लैट नहीं मिल रहे, उनके लिए उसके और एसेट्स बेच के कहीं से तो रिजोल्यूशन करना चाहिए। तो देखिए अभी एनबीसीसी आगे आई है इस प्रोसेस में, भैया हम कंप्लीट करके देंगे 20,000 हाउसिंग यूनिट। तो अच्छी बात है भाई, पॉजिटिव है। जो लैंडर से जिन्होंने जेपी इंफ्राटेक को पैसा दिया है वो भरोसा कर रहे हैं। और इससे पहले दो कंपनीज थी रेस में, जो दूसरी कंपनी थी रेस में वो देखिए कौन सी थी, ये कंपनी सुरक्षा एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, और अभी एनबीसीसी ने उससे ज़्यादा बिड लेके और इसको ओवरटेक करने की कोशिश करी है। अगर आप देखें 32,000 फ्लैट, अगर सॉल्यूशन इन 30 डेज, जैसे अभी कहा था कि भैया इसका सॉल्यूशन निकालना था कि भैया 18 महीने में कोई बायर खरीदें, तो टाइम दिया गया था, और 9 मंथ्स टाइम परमिटेड फॉर रिजोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी लॉज। तो कोई तरीका, कोई जुगाड़ निकला नहीं इसमें। ज़बरदस्त उधार है, ऑलमोस्ट देखिए कितना उधार चल रहा है कंपनी के ऊपर, कितना डेट है। और तो क्या होगा इससे, तो एनबीसीसी हैज़ ऑफर टू मेक अप फ्रंट पेमेंट। एनबीसीसी ने कहा कि भैया हम 1,000 करोड़ का, तो जो लैंडर है आईडीबीआई बैंक मेजर लैंडर है, 1,000 करोड़ का तो हम अप फ्रंट पेमेंट करेंगे, बाकी हम धीरे धीरे करके बाकी पेमेंट हम करते रहेंगे। तो चलिए भाई धीरे धीरे करके पेमेंट करेंगे। विच हैड एक्सटेंडेड लोन टू ट्यून 9,800 करोड़ टू द प्रोजेक्ट। आईडीबीआई बैंक ने कहा भाई हम आपको 9,800 करोड़ का लोन भी देंगे प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए, और बहुत सारे बायर्स हैं। चलिए अगर कुछ न किसी तरीके से ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं तो उन बायर्स को तो फ़ायदा होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जेपी इंफ्राटेक के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करी है, और उसमें मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए प्लेस्ड प्रोमोटर कितना है, गिरवी रखा गया ऑलमोस्ट 83.63% प्रोमोटर की होल्डिंग गिरवी रखी गई है। तो गिरवी रखे रखे धीरे धीरे बैंक करप्ट हो जाते हैं देखिए, तो इसीलिए मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में ही बताता हूँ कि जहाँ पर गिरवी रखा हुआ शेयर है तो वो काफ़ी रिस्की हो जाता है। ऑल दो देखिए LIC का भी 2.22% होल्डिंग इसमें है, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड जो मेन प्रोमोटर है जिसका 61% होल्डिंग है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।